तो अभी टायर प्रेशर भी हो गया, बहुत कम बता रहा है मैनुअल। बाइक को हो चुके हैं ऑलमोस्ट 6 मंथ्स, का जो बेस है वो थोड़ा बढ़ गया, मतलब यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। निकल गए ये लोग, हम लोग बस निकल ही रहे हैं। चलो कोई नहीं, संडे का दिन और दिन है आज 16th of April और अभी सुबह क्या बज रहे हैं 8:30। और आज का कुछ प्लान इस तरीके से है कि हम लोग जा रहे हैं, मैं और मेरा भाई, एक छोटी सी राइड पे जो कि है सुजुकी ओनर्स के साथ। आई मीन जब से मैंने बाइक ली थी तब से लेके अभी तक 6 महीने तक हर महीने मुझे सुजुकी वालों को कॉल आते थे, क्योंकि वो लोग शायद मंथ में एक बार या 15 दिन में एक बार हर मंथ एक राइड प्लान करते हैं, जिसमें कि वो उन सारे लोगों को बुलाते हैं जो कि सुजुकी ओन करते हैं। तो मेरे पास भी सुजुकी है, इसलिए हर महीने कॉल एक मुझे भी आता था, बट किसी न किसी वजह से मैं जा नहीं पाता था। सो फाइनली दिस संडे मेरे पास टाइम है, तो मैं जा रहा हूँ एक छोटी सी राइड पे। तो हमारी जो राइड शुरू होगी वो राइड शुरू होगी साइप्रस सुजुकी ISBT से। और हमारा जो प्लान है जाने का, हम लोग जाएंगे आई थिंक शिव मंदिर के आसपास जाएंगे, बाकी वहीं पर हम लोगों का रिफ्रेशमेंट होगा। उसके बाद हमारा एक दूसरा प्लान भी है, तो हम लोग, मैं, मेरा ऑफिस के फ्रेंड्स लोग, हम लोग जा रहे हैं शाम को। अभी अगर लास्ट व्लॉग में आपने देखा हो तो सनराइज़ हम लोग नहीं देख पाए, लेकिन हम लोग आज जा रहे हैं सनसेट देखने। अभी कहाँ जा रहे हैं वो हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल अभी हेलमेट अपना सेटअप हो चुका है, तो फटाफट हेलमेट पहनते हैं, बाइक पर चलते हैं और सीधे चलते हैं शोरूम की तरफ। निकल गए, अभी गाड़ी में डलवाना पेट्रोल और आई थिंक टायर प्रेशर भी चेक करवाना पड़ेगा। तो अभी ऐसा है कि लास्ट व्लॉग में, यानी जोर-जोर वाले व्लॉग में, कुछ लोगों का कहना है कि आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, तो मैं करता हूँ आईफोन से शूट। अभी दिक्कत ये हुई कि मैंने किए हुए थे ईयरफोन कनेक्ट, तो मुझे लगा शायद ज़्यादा बेटर ऑडियो आ जाएगा अगर मैं ईयरफोन यूज़ करूं व्लॉगिंग के दौरान, बट ऐसा हुआ नहीं, जिसकी वजह से वो जो ऑडियो है वो बहुत ही डिस्टर्ब ऑडियो आ रहा है। आई मीन मतलब अगर आप ईयरफोन या हेडफोन यूज़ करोगे तो वो बड़ा सही सुना देता है, पर नॉर्मली अगर आप फ़ोन के स्पीकर से सुनोगे तो आई थिंक आपको वॉल्यूम फुल करना पड़ रहा है, तब जाके कहीं कुछ आवाज़ क्लियर समझ में आ रही है। हाँ, बाकी GoPro में भी आई थिंक इस बार इतना क्लियर आया नहीं है, क्योंकि माइक मैंने बिल्कुल अपने मुंह के सामने एडजस्ट किया हुआ है और मुझे लगा था शायद अगर मैं धीरे धीरे भी बोलूँगा तो आवाज़ आएगी बेटर, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो चलो कोई बात नहीं, ये सीख हो गई हमारे लिए, हम नेक्स्ट टाइम से ये चीज़ ध्यान रखेंगे। कि वैसे मेरा सब्जेक्ट तो व्लॉगिंग है, बट जितने भी लोग मेरे दोस्त यार हैं या जो लोग भी मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैं बहुत कम बोलता हूँ, और अगर बोलता भी हूँ तो बिल्कुल, मतलब जो मेरे खासम खास दोस्त हैं उन्हीं के साथ मैं ज़्यादा बोलता हूँ, वरना तो बाकी लोगों के साथ मैं बिल्कुल नॉर्मल बात करता हूँ। सो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा असर जो है मेरी व्लॉगिंग पे भी पड़ रहा है कम बोलने का। अभी टाइम हो गया है 8:54। चलो टायर प्रेशर करते हैं चेक, उसके बाद सीधा आपको मिलते हैं शोरूम पे। पहुँच गए हैं, मतलब इस साइड है, वो साइड हमारा शोरूम है। यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा, निकल गए ये लोग, भाई पोपट हो जाएगा अगर ये लोग निकल गए होंगे। निकल गए क्या राइड के लिए बोला था? हम तो 9 बजे बोला था, 9 बजे आ जाना शोरूम में। है ऊपर कोई? आप जाओ तो सही, खुला है। तो
हाँ हाँ पर कोई आया तो है नहीं। हाँ वही बोला मैंने फोन करके। हाँ कि आ रहे थे सब लोग आ रहे हैं तो राइड तो शुरू हो चुकी है। हमें हम लोग बस निकल ही रहे हैं बट क्योंकि संडे है तो शायद ज़्यादा राइडर्स आए नहीं। तो एक हाया उसे देखी थी हमें, वो ऊपर शोरूम में ही है। बाकी यहाँ पर ज़्यादातर वी स्टॉमी है, वो भी इन्होंने अच्छी खासी मॉडिफाइड कर रही है। उस हिसाब से मैंने तो कुछ भी मॉडिफाई नहीं की हुई है अभी, सो इन्हें देख के अभी मन मेरा भी हो रहा है। तो अभी ऐसा है, मेरे साथ मेरा भाई बैठा है, वरना इस बाइक को मैं भी स्पोर्ट्स बाइक की तरह भी चला रहा होता, बट चलो कोई नहीं, देखो जैसे ये चला रहा है वैसे मैं भी चला रहा होता, बट ठीक है कोई नहीं। ही हम लोगों ने डिसाइड तो यही है शिव मंदिर जाने का, बट हम लोग शिव मंदिर नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे शहनशाह आश्रम की तरफ। तो डिसाइड ये किया है तो मेन रूट ना लेकर के हम लोग कड़ीगंज वाला रूट ले रहे हैं, और बाकी मुझे नहीं पता इन लोगों ने कैसा राइडिंग जैकेट पहना है, मुझे तो ऑलरेडी बहुत गर्मी लग रही है। ट्रैफिक ट्रैफिक भाई, संडे के दिन भी मरे। मार्केट खैर अभी पहले की तरह तो नहीं है, कम्प्लीटली बंद है अभी तो, मार्केट काफ़ी हद तक खुला है। तो लग रहा जबरदस्ती घुसना पड़ेगा जब कोई जगह दे नहीं रहा। कायदे से चलो तो कोई मानता ही, ये दे कायदे से चलो तो कोई मानता ही नहीं, पता नहीं क्यों भाई। ये लोग सिंगल में तो ये लोग सही पेल रखी है उन्होंने, अभी मैं डबल में हूँ तो मैं ज़्यादा भगा नहीं रहा हूँ। तो ये है हमारा महेंद्र ग्राउंड जिस पे हमने खेले हैं बहुत सारे मैचेस। अभी गर्मियाँ आ गई हैं तो भाई सुबह आने में हालत ख़राब हो रही है, वरना तो महीने में एक टूर्नामेंट फुटबॉल या क्रिकेट का तो हम लोग खेल लेते थे। अभी हम लोगों ने जस्ट क्रॉस किया है कोठियाल गेट, और अभी हम लोग बस अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचने ही वाले हैं। अभी गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है ना इस समय, ऊपर से मैं पहन के आया हाफ में, मैंने हाथों में ग्लव्स पहना है वो अच्छा है क्योंकि पसीने छूट रहे होते वरना हाथों में। आज अगर टाइम लगता है तो यार पहले तो सबसे पहले इस गाड़ी के हॉर्न पे काम करते हैं, ये बहुत ही बुरा है और बजता भी नहीं कभी कभार तो टाइम पे। वाह ऐसी रोड पर तो आता है बाइक चलाने मज़ा। तो डेस्टिनेशन में आई थिंक थोड़ा सा चेंज है, हम लोग जा रहे हैं अभी हाथी पाँव तक और वहाँ से हम लोग यू टर्न लेके वापस आएंगे, अभी तक जो प्लान मेरे हिसाब से है। वो उसका फ़ोन आया था शायद, वो बीच में रुका था नीचे, उसका फ़ोन आया था तो शायद वो नीचे रुका था। आगे सब लोग डेस्टिनेशन अमेंडेड, नाउ इट्स अप टू हाथी पाँव। चलो ठीक है थोड़ा लंबा राइड हो जाएगा बट अभी थोड़ा सा मेरे हिसाब से बोरिंग हो जाएगा ये, क्योंकि शाम को फिर से इधर मुझे आना ही है, तो एक दिन में दो राइड हो जाएंगे सेम जगह के। रुके हैं जस्ट यहाँ पे जहाँ से डाइवर्जन है मौसूरी का और जॉर्ज एवरेस्ट के लिए, और हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ बैठ के कुछ खाएं पिएं। गर्मी की वजह से एक तो हालत ख़राब हो गई पसीने से, बाकी लोगों को भूख भी लग गई है,
बाकी हमारे पास एक ये वाली V-Storm है, एक वो है, एक हमारी एवनिस है, एक अपनी V-Storm है, एक ये जिक्सर SF ये है, एक ये है और एक ये है। टोटल हम लोग हैं 7 लोग, आई मीन 7 बाइक्स हैं, इसमें लोग तो काफ़ी हैं, 8-10 लोग हैं हम लोग। पूरा मसूरी चलना है, ठीक है। सो अभी भैया पैर पहुंचते नहीं इसमें मेरे, पूरे टिपटो होता है, इसलिए घुमाने में आफत आती है। भी प्लान में फिर से एक थोड़ा सा चेंज है, हम लोग सोच रहे हैं डायरेक्टली मसूरी जाते हैं और मसूरी को टच करके फिर हम लोग आ जाएंगे वापस। खाना पीना हो चुका है, डन, और हम लोगों ने थोड़ा बहुत अपने राइडिंग एक्सपीरियंस खाते दौरान शेयर किए, और गाड़ी में जिस जिसको जो भी अपनी अपनी गाड़ियों में कमी लगी हम लोगों ने वो शेयर किया, बताया हम लोगों ने क्या क्या मॉडिफिकेशन किए, कहाँ से किए। वैसे 1 बज गए तो हम लोगों ने पराठे वराठे खाए, तो लंच की तरह ही हो गया, तो लंच हम लोगों ने कर लिया और इसके बाद डायरेक्टली अब हम सब लोग जा रहे हैं अपने अपने कामों को, अपने अपने घरों को, और उसके बाद मेरी 4:30 4:30 चलो फिर। यहाँ के मौसम में हो रहा है अभी बदलाव, अभी शाम को वैसे एक राउंड वाउंड लगना है इधर, और हाँ अभी मुझे जगह का नाम याद आ गया, तो इस रूट से ये वो वाला रूट है जिस रूट से हम लोग जाते हैं दलाई हिल्स। सो अभी ऑलमोस्ट लंच वगैरह तो हो ही गया, तो अब हम चल रहे हैं लोग अपने अपने घरों को, सभी लोग, और हैं अभी सब लोग साथ ही में, जैसे जैसे नीचे पहुँचेंगे वैसे वैसे अपने अपने एरिया के हिसाब से सब लोग अलग अलग हो जाएंगे। बाकी ठीक है, मतलब ऐसे राइड होने चाहिए छोटे मोटे। सो अभी इनका कहना ये है कि नेक्स्ट टाइम भी हम लोग एक राइड प्लान करेंगे, तो हालांकि इसको लेकर के अगर कोई ऑफ रोड का राइड हो तो मैं ज़रूर जाऊंगा। नेक्स्ट टाइम ये लोग सोच रहे हैं नेक्स्ट संडे पॉसिबली या नेक्स्ट संडे थानो जाने की, थानो और थानो से ऋषिकेश, मतलब यहाँ से थानो देहरादून से, उसके बाद उस रास्ते से होते हुए ऋषिकेश और फिर वापस, बट आई थिंक उतना मज़ा नहीं आने वाला है, फिर भी देखेंगे टाइम होगा तो चलेंगे, क्योंकि सीधा सीधा ही रास्ता है और ज़्यादा कुछ है भी नहीं देखने को उस रास्ते में। तो अब आपको डायरेक्टली मिलेंगे हम लोग आपको सीधा नीचे घर के बाहर, क्योंकि कैमरे की बैटरी है कम और हमारे पास टाइम भी है कम, हमें गाड़ी चलानी जल्दी जल्दी और जल्दी से जल्दी नीचे पहुंचना है, और उसके बाद शाम वाले प्लान की तैयारी भी करनी है। तो भैया और हटिए हटिए